ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या पीएचडी के साथ बीएड की जा सकती है, क्या पीएचडी के साथ एमएड की जा सकती है, क्या पीएचडी के साथ कोई और कोर्स किया जा सकता है। पीछे एक वीडियो मैंने निकाली थी कि ड्यूल कोर्स के लिए यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने दो कोर्स एक साथ करने की आज्ञा दी है, लेकिन पीएचडी के साथ उसको समझ लेना चाहिए। आप पीएचडी पे पहले ये देख लें कि पीएचडी क्या होती है और कितने तरह की होती है। पीएचडी फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, समझ लेना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोई पीएचडी नहीं होती। ये ओपन जो यहां लिखा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से पीएचडी कोई नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू इंडिया में नहीं है। फुल टाइम पीएचडी वो है जो आप स्कॉलरशिप लेते हो, पर्टिकुलरली ऐसी पीएचडी में आपकी अटेंडेंस लगती है यूनिवर्सिटी में, आप रेगुलर स्टूडेंट की तरह काम करते हो। इवन आपको जो टीचिंग और जो रिलेटेड यूनिवर्सिटी का काम है इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइन ऑफ यूजीसी वो भी दिया जाता है। इट मींस रेगुलर अटेंडेंस लगती है, तो आपको जैसे यूजीसी जेआरएफ आपने क्लियर किया है तो उसकी अमाउंट आपको आनी है, आपकी अटेंडेंस और वो कंडीशन पूरी करोगे। इट मींस फुल टाइम पीएचडी के साथ आप ये जो कोर्स है बीएड एमएड ये नहीं सोच सकते। ये भी अब याद रखना होगा कि बीएड एमएड नॉर्मल पर्सन के लिए रेगुलर मोड में ही है, रेगुलर मोड में ही है। यो वो इलीगल टर्म है जो आप कहते हो नॉन अटेंडिंग डमी सीट, वो इलीगल है नेचुरली। तो अब फुल टाइम के लिए क्रॉस हो गया कि फुल टाइम के साथ आप ना बीएड ना एमएड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप मैंने तीन तरह से डिवाइड किया है प्रोग्राम्स को। एक तो डॉक्टरल लेवल के, वो आपको बता दिया, फुल टाइम और पार्ट टाइम हो गया। पार्ट टाइम में क्या है कि आप रेगुलर अटेंडेंस यूनिवर्सिटी में आपकी नहीं लगती, हाँ लेकिन इसकी एक कंडीशन है, यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार आपको प्री पीएचडी कोर्स लगाना पड़ता है जो 6 मंथ का होता है और वो भी रेगुलर आपकी क्लासेस लगती हैं। मतलब आपको यूनिवर्सिटी अटेंड करना पड़ता है। जब ये अटेंड करना पड़ता है तो ये आंसर मिल जाता है कि हम उसके साथ एमएड या बीएड नहीं कर सकते। तो फिर पीएचडी के साथ कर क्या सकते हैं? एक पहली बात कि दो तरह से, एक तो आप पार्ट टाइम पीएचडी के साथ कर सकते हो। मेरे पीएचडी के स्टूडेंट इवन कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल देके बता रहा हूं। ये है कि जब आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो तो क्या रेगुलर कोई और कोर्स कर सकते हो? ये बात पक्की है कि आप पार्ट टाइम पीएचडी के साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ कोई कोर्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एकेडमिक दो डिवीजन है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन। तो आप पार्ट टाइम पीएचडी के साथ, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश की पीएचडी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हो, कॉमर्स में कर रहे हो और साथ में ये चाहते हो कि दूसरी एमए करनी है साइकोलॉजी, है ना, तो आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से फॉर एग्जांपल इग्नो से कोई एमए ज्वाइन कर सकते हो और साथ साथ में कर सकते हो। आपने एडिशनल कुछ बीए का बीकॉम का ऐसे करना है, ओपन एंड डिस्टेंस यूनिवर्सिटी अगर आपको अलाउ करती है तो आप कर सकते हो। इट मींस आपका यस कहां बनता है? पार्ट टाइम पीएचडी के साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से एकेडमिक कोई भी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का या ग्रेजुएशन का। नेचुरली आप पीएचडी कर रहे हो, ग्रेजुएशन का तो नहीं करोगे, एडिशनल एमए कर लोगे, तो आपका बेस्ट बन रहा है जो नॉर्मली कर रहे हैं स्टूडेंट्स पार्ट टाइम पीएचडी के साथ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स जो वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है वो आप कर सकते हो। तो और क्या रह गया, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तीसरी कैटेगरी, प्रोफेशनल कोर्स में रेगुलर आपकी स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स है वो डेवलप करनी है, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स है। तो ये रेगुलर होने के कारण आप पीएचडी के साथ, बेशक वो पार्ट टाइम है, इनको नहीं कर सकते। एक बात यहां ऐड कर दूं कि मैंने ये आपको लेटर दिखाया था जो यूजीसी, इसकी वीडियो अलग से डाली गई है कि आप दो कोर्स साथ में कर सकते हो। यहां पर लास्ट में लिखा गया है कि उपरोक्त गाइडलाइंस सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों पर लागू होती है जो पीएचडी प्रोग्राम नहीं कर रहे। यहां से क्या स्पष्ट होता है कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आप उसके साथ वो वाले कोर्स नहीं कर सकते, पर उस नोटिस का ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि आप इग्नो या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से साथ में कोई
एमए या एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स, इवन डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स है ना, इससे नीचे आ जाते हैं। यहाँ से है डिप्लोमा कोर्स आ जाते हैं, फिर सर्टिफिकेट कोर्स आ जाते हैं, इनकी टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होती है ना, तो वो आप कर सकते हो। अगली बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो केस अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, ये मैंने जो कह दिया है इस सबको नलीफाई किया जा सकता है कि रेगुलर के साथ क्या पार्ट टाइम पीएचडी के साथ आप एमएड या बीएड कर सकते हो या नहीं। मेरे पास एक केस है जिन्होंने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से पार्ट टाइम हिंदी में वो पीएचडी कर रहे थे, जलंधर में वो टीचर थे, उन्होंने सारा केस मेरे से डिस्कस किया था, और इसके साथ उन्होंने रेगुलर एमएड की है, रेगुलर एमएड की है फगवाड़े के कॉलेज से, इतना भी बता देता हूं। तो उन्होंने सारा केस डिस्कस किया था, उन्होंने कोई प्रोविजन ढूंढ ली थी यूनिवर्सिटी कैलेंडर में, और वो वाइस चांसलर से जाके मिले थे और एक लेटर लिखा था कि इस प्रोविजन के अनुसार मैं, देखिए रेगुलर जॉब कर रहे हैं, ये जॉब भी रेगुलर कर रहे हैं, हाँ उससे वहां से लीव ले ली है, एडेड स्कूल में वो जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम पीएचडी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, और उसी यूनिवर्सिटी से, सेम यूनिवर्सिटी से रेगुलर एमएड कर रहे हैं जॉब से लीव लेके। अब ये देखिए कि ये कुछ भी इलीगल नहीं है, तो ये वाइस चांसलर साहब से मिले हैं, उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है, अप्रूव कराया और रेफरेंस दिया है कि इस जो है जो आपकी कैलेंडर की इस प्रोविजन के मुताबिक मैं एमएड साथ में कर सकता हूं, और उन्होंने की है। अगर वो माने, उन्होंने इन्फॉर्मेशन आगे दी कि वो प्रोविजन कौन सी थी, कैसे उन्होंने की, तो मैं उनका केस आपके सामने जरूर रखूंगा। हाँ, इट मींस हिम्मते मर्द मददे खुदा, मतलब अगर सीधा ये कहना हो कि पीएचडी के साथ आप एमएड रेगुलर कर सकते हो तो नहीं आ रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसे केस हैं जिन्होंने की है, तो ये वो प्रोविजन को यूटिलाइज करना होगा। तो ये था एनालिसिस कि आप पीएचडी के साथ क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर। तो वेरी कॉम्प्लेक्स उत्तर है, इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चन आपका कोई हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।